मुझे ना ये पहली लाइन से ही शक हो जाना चाहिए था, बट देन ऑफ कोर्स एवरीबडी इज ह्यूमन एंड वी मेक मिस्टेक्स। हुआ क्या, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गुस्सा हो गई थी इस पर्सन पे जिसने मेरी मेहंदी लगाई थी। थोड़ा सा शांति, बाहर जाओ, पापा से पूछो। आप करोगे व्लॉग? मम्मी आप कर लो व्लॉग, मैं करूंगा। चीजें तो आप लाए हो, आप तो लाए नहीं हो ना, तो आपको पता नहीं है। चलो बाहर बाहर आओ, चलो खेल रहे हो। अच्छा लेकिन शांति प्लीज। गुड इवनिंग, इट्स द नाइट बिफोर करवा चौथ, एंड नाइट बिफोर करवा चौथ इज यूजुअली वेरी हेक्टिक, क्योंकि तभी मैं मेहंदी लगवाने जा रही होती हूँ। तो आई एम इन अ नाइस एंड ईजी कॉटन ड्रेस, ताकि चलना फिरने में आसानी रहे जब मेहंदी लगाऊँ, तो उसके बाद ऐसे लाइक वो ना हो कि अरे यार क्या पहन लिया, गलत चीज़ पहन ली, आराम से उनके वो गंदे वाले स्टूल्स पे बैठ पाऊँ। तो मन बहुत है यहाँ यहाँ तक मेहंदी लगाने का, बट देखते हैं वहाँ जाके क्या मूड बनता है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सो लेट्स गो एंड डू दैट। आज मैं मेनली घर पे ही थी, बट मम्मी एंड वरुण वेंट शॉपिंग, तो उनकी मुझे कुछ शॉपिंग दिखानी है, क्योंकि कुछ करवा चौथ स्पेशल उनकी शॉपिंग आई है। पहले तो आए आईने से बहुत सारे फ्रूट्स, आईने के फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, एंड बड़े सुंदर सुंदर से ड्रैगन फ्रूट्स भी लाए हैं। देखो आ देखो, दिस इज़ लाइक करवा चौथ का फ्रूट। नहीं बस फ्रूट्स तो रैंडम ही लाए हैं। शानवी आप क्या कर रहे हो? शानू मम्मा अभी शूट कर रही है ना, आपको व्लॉग में बैठना है चुपचाप पीछे, तो यहाँ बैठ जाओ चुपचाप पीछे, या उधर ब्लू वाले सोफे पे, या यहाँ पे कहीं पे बैठ जाओ, बस शांति से, ठीक है? तो वी हैव, आपको भी दिखाना है। बैठो उधर। तो हमारे देख पड़े, मैं कैमरा ठीक करके आती हूँ, फिर वही बैठो। व्लॉग इसमें क्या होता है? वो माइक है, हमारी आवाज अच्छे से आएगी फिर, ठीक है? अब बताएंगे ये क्या है। ये है ड्रैगन फ्रूट, यम्मी यम्मी। और ये क्या है? ये है अमरूद, अमरूद रेड वाले अमरूद है। कैमरा में पास में जाके देखो, यहाँ से नहीं दिखेगा उनको। ये ड्रैगन फ्रूट है और ये है अमरूद, लाल वाले अमरूद है और ये ड्रैगन फ्रूट है, और और दोनों टाइप के ग्रीन एंड रेड टाइप के ग्रेप्स है। वो क्या दिखाऊँ, वो तो नॉर्मल है, रख दो वापस। कीवी भी है। कीवी कहाँ है? ओ हाँ कीवी भी है नीचे, कीवी भी है। 500 इज व्हाट मम्मी जी टोल्ड मी, कि 500 रुपए में इतने फ्रूट्स आते हैं। आई एन ए स्लाइटली एक्सपेंसिव मार्केट है, बट फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये है मच्छी, मीठी मच्छी, मुझे पीछे आ जाओ, मीठी मच्छी एंड गुल्ले छोटे वाले। हाँ मतलब वो तो आप खा चुकी ना गुप गुप करके। ये नहीं kind of fruit. मीठी मट्ठी एंड फीकी मट्ठी, ये बाइने में रखी जाती है, तो ये मैं कल मम्मी जी को दूंगी। एंड कुछ तो एक्स्ट्रा ले आते हैं हम लोग, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छी बहुत फ्रेश मट्ठियाँ आती हैं, एंड घर में इवन बच्चों को मट्ठी अचार खाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ना ये मीठी मट्ठियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वापस रखो, ये मम्मी का आया है बहुत सुंदर सा सूट, करेक्ट, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे, अच्छा आप मेरे, आप हटो, आप हटो तभी तो देखेंगे। मेरा साइज है ये। आपका साइज नहीं है ये। हाँ। ये देखो कितना सुंदर है ना। ईशान भी बेटा सामने से हटो, कितना सुंदर है ना। एंड इसमें ऐसे हाथ पे काम है, एंड नीचे बॉर्डर में काम है, एंड इसके साथ पजामी है, एंड ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी बड़ा अच्छा लाइक बड़े सारे काम है इसमें। I am the singing girl, and I have a mic. That comes from inside. ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो। Girl साड़ी। हाँ, इस साड़ी में girls बनी हुई है। ये मम्मी की साड़ी है, इसमें और भी girls बनी हुई है। देखो यहाँ dancing कर रही है। Nice ना? इधर आके दिखा दो, वो आप इतने पास से नहीं दिखोगे, यहाँ पे दिखोगे। अब दिखाओ कैसे डांस कर रही हैं गर्ल्स। कर तो एक्चुअली ऐसे ही रही है देखो। तो ये मम्मी के लिए साड़ी है, ये बनेगा, उल्टी पकड़ी हुई है मैंने साड़ी।
शैनी शैतानी और इसमें गर्ल स्टेट दे 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 नहीं पड़ेगा तभी समझ में आएगी ऐसे ये ग्रेपी है हाँ छोड़ो इतना लंबा तो प्लीट्स बनेंगी ना बेटा अभी तो रफली बना के दिखा लेते हैं इधर आप सब अब ठीक से थोड़ी दिखेगी ये ब्लाउज है चैन पीछे ये देखो ये प्लीट्स आएंगी आई थिंक काफी सुंदर लगेगा एंड देन ऐसे आएगा पल्ला एंड तो ये गर्ल सीधी हो जाएंगी मैं पहले दिखाई थी तो गर्ल्स उल्टी थी सारे एंड सो नाइस एंड एलिगेंट एंड ये पल शैनवी जी साइड हो जाएगी शैनवी वहाँ बैठ जाओ नाइस बस को फोल्ड करना पड़ेगा नाइस बोलती हूँ मैं नाइस बोलते हो आप नाइस नाइस जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही बोलते हो आप भी नाइस सेम सेम है ना हम मदर डॉटर है ना हम नाइस नास और ये एक और साड़ी है होई कि अब इसको मैं पूरा नहीं खोल रही यार जब मैं दूंगी सब देख लेना बट इट्स नाइस एंड सिल्वर एंड ब्यूटिफुल एंड यार दैट्स द करवा चौथ शॉपिंग जो बची हुई थी शानी शांत हो जा पच पीछा पीछा दैट इधर आओ एंड दैट्स द करवा चौथ शॉपिंग जो बची हुई थी और अभी डिनर करके हम लोग जाने वाले हैं मेहंदी लगाने और शानी मेहंदी लगाएगी कब लगाएगी हाँ डिसाइड क्या हुआ है बता सबको आपकी मेहंदी कब लगेगी मम्मा की शर्ट मम्मा लगाएगी कब लगाएगी कल कल मम्मा कल लगा देगी शानू को छोटू सी मेहंदी मेरा माइक ही देखो माइक हाँ हाँ उनका उनका ऐसे नहीं दिखेगा माइक बेटा बट उनको आवाज आ रही है आपकी ठीक है हैप्पी चलो बाय 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 क्या बोलते हैं हर श्रृंगार की बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है हमारे घर जस्ट बाहर है हर श्रृंगार का पेड़ से हेलो कहाँ जा रहे हो आप ओ कोई पूछ रहा था कि वरुण कहाँ है ये रहा वरुण कहाँ जा रहे हो लाजपत नगर भीड़ में फंसने भीड़ में फंसने जा रहे हो अभी दिखाना कितनी भीड़ होगी बट जा क्यों रहे हो मेहंदी लगाना मैंने वरुण के थार में जाने के लिए साफ इनकार कर दिया था क्योंकि थार में ना आप बगैर पकड़े चढ़ नहीं सकते लाइक दोनों हाथ से पकड़ के चढ़ना पड़ता है देर इज नो ग्रेसफुल एक मैंने ढूंढा है बट देर आर यूजुअली नो ग्रेसफुल वेज टू सिट इन अ थार टाइम देखो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस नहीं तो उसमें क्या है वरुण हमेशा थार पकड़ के चाबी पकड़ लेते हैं एक दिन मेहंदी लगाने वाले दिन मत बैठो बाकी दिन तो बैठ ही सकते हो हील्स में थार में बैठना बहुत मुश्किल काम चले चलो लाइन से शक हो जाना चाहिए था बट देन ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज ह्यूमन एंड वी मेक मिस्टेक्स हुआ क्या मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गुस्सा हो गई थी इस पर्सन पे जिसने मेरी मेहंदी लगाई थी स्टार्टिंग में कुछ कुछ ऐसी जैसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको आती नहीं लगानी बट ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ही वॉज अ लिटिल ओल्ड बट उनके हाथ थोड़े से मुझे लगा आर नॉट स्टेबल इनफ एंड मेहंदी में क्या होता है देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस जब मेहंदी मेहंदी लगती है और मेहंदी स्क्विगल्स लगते हैं तो मतलब बहुत मिक्स हो रहा था कुछ कुछ डिज़ाइन जब वो बना रहे थे तो लग रहा था कि हाँ अच्छी लग रही है
बट कुछ अनइवननेस आ रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था कि बनाते बनाते बीच में मूड हो गया उनका कि अच्छा बॉन्ड नहीं बनाना, तो लास्ट में कुछ जाके मतलब लाइनें ख़राब कर दी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। आई वॉज लाइक भैया लगाना है तो ढंग से लगाओ, क्योंकि करवा चौथ की मेहंदी यार स्पेशल होती है, हम बहुत मन से लगाते हैं। एंड वॉट ही डिड वॉज समथिंग आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। एंड मैंने उनसे बोला कि देखो मैं आपके पैसे तो नहीं खाना चाहती, बिकॉज ऑब्वियसली यार आप भी पैसे कमाने के लिए, आपके लिए भी साल में एक ही बार इतने पैसे कमाने का टाइम आता है, तो अपने किसी फ्रेंड फ्रेंड से बोलो बनाने के लिए। लुक एट दिस, इन्होंने कैसे ये स्क्विगल ऐसे किया कि जैसे बेमन से लगा रहे हो ना टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, एंड में जाके एजेस पे जाके बिल्कुल ही जैसे छोड़ दिया हो कि क्या करना है यहाँ पे लगा के ढंग से। तो आई टोल्ड देम कि लिसन मैं नहीं, आई दिस इज़ नॉट, आई वेटेड फॉर अनदर पर्सन, उनका एक फ्रेंड था उसने बोला कि नहीं मैम मैं लगा देता हूँ। एंड ही फाइनली कम्प्लीटेड माई मेहंदी विच आई वॉज हैप्पी विद। इनफैक्ट जो इंडिविजुअल हाथ उन्होंने लगाया है वो बहुत सुंदर है। एंड इट इज़ जस्ट द फाइनल थिंग्स मैं ऑब्वियसली लाइक मेहंदी में आई वॉन्ट टू गिव क्रिएटिव फ्रीडम, मैं कभी ऐसे फोटो नहीं ले जाती, मैं चाहती हूँ कि वही मुझे बताएं कि क्या बनाना है, उनका क्या मन है बनाने का, बिकॉज आई फील अगर मैं उनको क्रिएटिव फ्रीडम दूंगी तो वो और अच्छा काम करेंगे। बट अच्छा काम इज द की वर्ड। एनी वेज बाय द एंड ऑफ इट हाँ मेरे मन की मेहंदी जरूर लग गई थी एंड आई केम बैक हैप्पी, बट उस टाइम तो माई हस्बैंड ऑल्सो वॉज लाइक कि मुझे लगा आज तो होने वाला बड़ा वाला झगड़ा।